देखिए आज हम डायनेमिक स्टार्ट कर रहे हैं। डायनेमिक हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम पहले आज बेसिक डेफिनेशन करते हैं और उसके कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्या है हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक मोशन की टाइप होती है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए हम रीड करते हैं। ए पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि कोई भी पार्टिकल होगा हमारे पास, हम क्या कहेंगे उसके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कब है? इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे। किस तरह? सच दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, कि हमारा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन ली है और अगर हमारा पार्टिकल इसके अबाउट ही यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा तो सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट ही मूव करेगा वो। ठीक है, मान लीजिए हमारा पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस इसी पे आ गया, इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। ठीक है, फिर बैक में गया, फिर साइड आ गया, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रहा है? वो ओ के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक है, ओ पे ही आ जाता है वापिस। उसके बाद इसने क्या कहा? ठीक है, इन द लाइन, एक लाइन में ही मूव करेगा, एंड इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, मतलब कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब हमने जो यहाँ पर फिक्स पॉइंट लिया वो क्या लिया है? ओ। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओ से। जितना भी डिस्टेंस होगा उस पार्टिकल का उतना ही उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस ओ से बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने देखिए क्या कहा है, अगर ओ से हम क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, पी पॉइंट पर, और उसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? इस ओ का मतलब फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट होगा उससे हमारे पार्टिकल का कितना डिस्टेंस है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो और किसी पॉइंट के अबाउट ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी सारी चीज़ निकाल लेंगे, वेलोसिटी, पोजिशन, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है देखने की, कि जो हमारा पार्टिकल है वो मैक्सिमम ए पॉइंट तक ही जा रहा है, वापस से फिर इसी पॉइंट पर आएगा वो। ठीक है, फिर ओ से हम यहाँ से इस साइड जाना स्टार्ट करेंगे, फिर ए डैश तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहीं तक आ जाएगा। हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये ओ से ओ ए तक का, ए डैश तक का, ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश, ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है। जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या? एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो फिक्स पॉइंट से हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस तक कहाँ तक जा सकता है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? उसका एम्पलीट्यूड है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए लिख लो या ओ ए डैश, दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए हम स्टडी करते हैं इसके नेचर को। देखिए अब हमारे पास, जैसे हमने अभी स्ट्रेट लाइन ली थी, ये हो जाएगा, ये ओ पॉइंट ले लिया, ये ए है, ए डैश ए। ठीक है, बीच में हमने कोई भी एक पार्टिकल ले लेना है, यहाँ पर पी पोजीशन पे आ गया वो। ठीक है, हमने मान लिया कि उसका डिस्टेंस क्या है? एक्स। अब जो हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पी पे है, हम यहाँ पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पी पॉइंट है ना, कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर ले लेंगे तो ये इतना डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, अगर आप इस साइड पी लोगे तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कोई भी एक पाथ के बीच में से कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लिया, उस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं? हमारे पार्टिकल की पोजिशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस साइड ले लिया। यूजली हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइड ही स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में फिर कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं इसको, ये। ठीक है, ये ओ पॉइंट है हमारा और ये पी पॉइंट है। तो यहाँ से हम स्टडी करेंगे कि पी पार्टिकल पे, पी पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है वो कौन कौन सी वेलोसिटी पोजीशन क्या क्या एग्जिस्ट करती है उसकी। ठीक है,
अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओ, ओ का मतलब फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, एक्सेलरेशन को हम ए से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर उसको अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूँ तो वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन को, या फिर ए से भी डिनोट कर देते हैं। लेकिन जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, वहां पर जहां पर भी हमें ए दिखेगा, उस ए का मतलब एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन को ए से मत लिखना, यहाँ पर जब भी हम ए लिखेंगे उसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो साथ में कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, म्यू। अब ना ये देखना यहाँ पर इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो ओ की साइड नहीं आ रहा, ओ से अवे जा रहा है। अगर हमारा पार्टिकल उस पॉइंट ओ की साइड आ रहा होता, उसके पास आता है, तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन, ठीक है। लेकिन अब हमारा पार्टिकल है वो ओ से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ओ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। यहाँ पर म्यू हमने क्या ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। मतलब हमें ये दिखाना, अगर किसी भी पार्टिकल के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो हम ये दिखा सकते हैं। अगर उसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस आ जाए, तो उस कॉन्स्टेंट को हम यही मान लेंगे म्यू, और हमारे पास हम क्या कह देंगे, दिस एग्जिस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप की इक्वेशन मिलनी चाहिए हमें। तो हम यहाँ से स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन है, तो हम यहाँ से इसका एक्सेल वो कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते ही वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या फिर आप एक काम कीजिए, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे, वी डी वी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वेयर बाई टू, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, सी का मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तभी एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा ना हमें। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम ओ से ए पर जा रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में जो हमारा पार्टिकल है, अगर ओ पे है तो उसके पास फुल वेलोसिटी है, वो पूरी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे वो ए की साइड जाता रहेगा, एक बार जब वो किस पॉइंट पर ऐसे जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर जैसे ही वो ए पॉइंट पर आएगा, एक टाइम के लिए वो रुक जाएगा, स्टॉप होगा, तभी तो वो बैक करेगा ना। तो यहाँ से ओ से ए तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी, उसकी ओ पॉइंट पर, जो हमारा फिक्स पॉइंट है, वहाँ पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ से जैसे जैसे हम ए की साइड जाएंगे, उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी। अब जब हम ए पॉइंट पर आ जाएंगे, जो हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर आते ही वेलोसिटी एट ए टाइम ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होते ही फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, और फिर वो वापस से ओ की साइड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ओ पर आते ही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और फिर वैसे ही अगर हम ओ से ए डैश की साइड जाएंगे, फिर से उसकी वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ए डैश पर आते ही फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब, एक तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है, और एक इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आते आते उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और इस पॉइंट पर आते एकदम से वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने का मतलब क्या है, उसके अंदर मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। फिर ये ए डैश से जब ओ की साइड जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ओ पर आते ही मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें माइंड में क्या रखना है, कि ओ पर तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और वी मतलब ए डैश पर, और ए मतलब जो हमारे एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं, उन पर हमारी वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा हमें सी निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पर देखना है कि मैं ओ से अगर ए तक का डिस्टेंस देख लूँ, कुछ भी होगा वो फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। हम ये कह देंगे, अब जैसे कि अगर ये ले लो,
पेंडुलम ले सकते हैं हम, अगर हम पेंडुलम ले तो हम अगर उसको मोशन करवाएं तो वो ऐसे जाता है, ठीक है। तो लेकिन ना इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कर्व बना रहा है, ठीक है। तो इसी की तरह हो गया, ये भी ओ पॉइंट है और मैक्सिमम ये किसी एक पोजीशन तक ही जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक खींच दिया, उसके बाद वो ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि हमने मान लिया कि ओ से ये ए तक ही जा सकता है, ए से आगे जा ही नहीं सकता, उसके कुछ बाउंडेशंस होंगी, ठीक है। तो हमें पता भी होगा कि वो ए पॉइंट कौन सा है। अगर हमें ए पॉइंट पता है और ओ पॉइंट भी पता है तो फिक्स हो गए दोनों, तो इसका मतलब ओ से ए तक का डिस्टेंस हमें पता होगा, ठीक है। जो भी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ओ ए, उसको हम क्या नाम दे देंगे, ए। अब मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो ये ए होता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये ओ से लेकर ए तक का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू ए तक ले जाऊँ, मतलब कि क्या हुआ, अगर हमारा पार्टिकल देखिए यहाँ पर पी पॉइंट पर है तो उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ले आए के ऊपर, फिर ये इतना हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे हम ए तक पहुंच जाएंगे, अगर हमारा ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ पर ए है हमारा एक्स इज इक्वल टू ए, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पर, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू ए रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल आ जाएगा और यहाँ पर पार्टिकल आते ही हमारी वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या है, जीरो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है और एक्स की वैल्यू ए है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह हम ए रख देंगे और वाई के प्लेस पर, वी के प्लेस पर हम जीरो रख देंगे। तो रखिए यहाँ पर जीरो बाई टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, म्यू ए स्क्वेयर बाई टू, ये सी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, क्या आई थी, म्यू ए स्क्वेयर बाई टू। तो इनमें से सब में से देखिए, एक तो टू एलसीएम आ के इससे कैंसिल हो जाएगा, म्यू भी कॉमन आ रहा है तो म्यू भी कॉमन ले लेते हैं हम, म्यू कॉमन ले लिया हमने, बाय टू अंदर बच गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी की, ठीक है। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अगर हमारे पास ए एक्स डी म्यू ये सब गिवन है तो हम कोई भी, मतलब अगर एक गिवन नहीं है तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ए की एक्स की म्यू की किन्हीं भी तीन की वैल्यूज दे दे और चौथे के पूछ लेगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, इसका पोजिशन, ठीक है। तो पोजिशन के अकॉर्डिंग अब हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास v की वैल्यू क्या आई थी, अभी अभी लिख देते हैं हम, v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या होगा, v को हम कैसे लिख सकते हैं, v क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डी एक्स बाय डी टी, है ना। पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस, ठीक है। अब देखिए अब हम वेलोसिटी के साइन को देखेंगे, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ठीक है। इसके लिए हमें इस पे आना पड़ेगा, दो कंडीशंस हो सकती हैं कि पार्टिकल हमारा ओ से अवे जा रहा है या पार्टिकल हमारा ओ की साइड आ रहा है, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ए, अवे फ्रॉम ओ, या फिर पार्टिकल इज मूविंग टू आर्ड्स ओ,
ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ओ से साइड मतलब अवे जा रहा है या फिर ओ की साइड आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से इस साइड जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ओ से दूर जा रहा है, अगर ओ से दूर जाएगा तो उसकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ओ मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, ओ से उसका डिस्टेंस है, ठीक है। अभी जैसे कि अगर हमारा पार्टिकल सपोज कीजिए ये ओ है, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है तो एक्स की वैल्यू ये है, लेकिन अगर वो ओ से दूर जा रहा है तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा पार्टिकल, ठीक है, तो हमारी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे तो हमारा जो एक्स है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो उससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो एक्स है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, जब भी हम ओ से अवे जाएंगे, मतलब कि जो हमारा फिक्स पॉइंट है उससे अगर हम दूर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे टी की वैल्यू, टी का मतलब टाइम, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू हम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब जो डी एक्स बाई डी टी है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइन है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसके लिए हमें दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे, एक बार हम क्या ले लेंगे, मूविंग अवे फ्रॉम ए, ठीक है। तो पहला केस हम यही ले रहे हैं, अवे फ्रॉम, तो अवे फ्रॉम में क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, प्लस का साइन ले लिया हमने, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं इंटीग्रेशन करके सोल्व कर देती हूँ इसको, देखते हैं आंसर क्या आएगा। एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, वन बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ में डी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट म्यू डी टी। क्योंकि ना यहाँ पर ध्यान देना कि जो रूट म्यू है हमने पढ़ा था अभी अभी, म्यू का था हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था, और ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कर लो, डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ में सिर्फ टी आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, वन बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे रूट म्यू टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का। अब हमें फिर से सी की वैल्यू निकालनी है, देखिए हम इस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए फिर से हमें देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर कौन सी की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। हमने अभी क्या देखा था, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू ए है तो वी की वैल्यू जीरो हो रही थी, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, टी और एक्स। तो देखिए ध्यान से, अगर हमारी टी की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब अभी पार्टिकल ने चलना स्टार्ट नहीं किया, टाइम जब स्टार्ट होगा तभी पार्टिकल चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल अभी कहाँ पर है, ओ पॉइंट पर ही है। इसका मतलब अगर पार्टिकल हमारा ओ पर है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, है ना, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से चलेगा तभी तो वो ओ से दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, इस पार्टिकल ने पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐसे जा रहा है वो, क्योंकि ओ से अवे जा रहा है। अगर हमारा टाइम स्टार्ट नहीं होगा तो अभी वो कौन से पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर ही है। अगर वो ओ पॉइंट पर है तो ओ पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो। जब तक चलना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक वो ओ पर ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू भी जीरो रख देंगे और टी की वैल्यू भी जीरो, साइन इनवर्स जीरो बाई ए जीरो, दिस इज इक्वल टू रूट म्यू इंटू ए जीरो प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो हम यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो रख देते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन रूट म्यू टी, और जो ये ए इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमारे पास टाइम गिवन है
और हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पार्टिकल ओ से अवे जा रहा है या ओ के टुवर्ड्स है, ठीक है। अभी हम जो दूसरा फॉर्मूला करेंगे वो नेगेटिव साइन का करेंगे, उसमें सिर्फ किसका चेंज आएगा, माइनस का, ठीक है। वो माइनस का देखते हैं कैसे आएगा। अभी हमारा पार्टिकल क्या था, ओ से अवे जा रहा था, अब हमारा पार्टिकल क्या हुआ, ओ की साइड आएगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि पार्टिकल ओ की साइड आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो पॉइंट कहाँ पर होगा, ए पॉइंट पर। ध्यान देने की बात है ये, क्योंकि तभी तो पार्टिकल ओ की साइड आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमारा पॉइंट स्टार्टिंग में कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है। देखिए ये हमारा ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर है। अब उसने क्या किया, ए ओ की साइड आना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो ओ की साइड आएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। अभी पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। थोड़े टाइम के बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है, ऑलवेज ओ से ही मेज़र करना है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है। मतलब कि अगर टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी इस क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि टाइम इंक्रीज और डिस्टेंस डिक्रीज, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो उसमें और इसमें सिर्फ यही चेंज है कि माइनस का फर्क आएगा, क्योंकि दोनों केस डिस्कस करने हैं ना हमें, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो ओ की साइड आ रहा है या ओ से अवे जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा रूट म्यू और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स टू, ठीक। अब इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा, हम क्या करेंगे, डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा डी टी, ठीक है। दोनों साइड अब हमें सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स बाई ए। हमें पता है कि अगर माइनस होता है तो कोस का फॉर्मूला होता है, प्लस होता है तो साइन का फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस सी। अब सी वन सी टू सी थ्री ऐसे ले लेना, क्योंकि हम तीसरी बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसको सी थ्री नाम दे देंगे। यहाँ तक तो आ गया, मेन दिक्कत क्या आएगी, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू के लिए हम फिर से क्या देखते हैं, कंडीशन हमारी क्या क्या है। अभी देखना हमारे पास टी है और एक्स है, हमें टाइम और एक्स में रिलेशन देखना है। अभी देखना अगर हमारा टाइम जीरो है, मतलब कि अभी पार्टिकल ने चलना स्टार्ट नहीं किया। अब देखना हमारा पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ था, ए पॉइंट पर था, ठीक है। उसमें कहाँ था हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट, ओरिजिन, मतलब कि जो ओ है उस पर ही था। यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, ए पर, ठीक है। अब अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है तो उस टाइम पे x की वैल्यू कितनी होगी, a, a का मतलब एम्पलीट्यूड, क्योंकि जब यहाँ पर पार्टिकल ने अभी चलना स्टार्ट ही नहीं किया तो उसका डिस्टेंस x के किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, ठीक है। जब तक कि पार्टिकल ने चलना स्टार्ट नहीं किया, मतलब कि जब तक टाइम जीरो है, तो हम ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की जगह जीरो और x की जगह a रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स a बाय a हो जाएगा इज इक्वल टू रूट म्यू इंटू जीरो प्लस सी थ्री, ठीक है। ये जीरो हो गया, कोस इनवर्स वन है, कोस इनवर्स वन क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से सी थ्री की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, जीरो। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए, ठीक है। हम यहाँ से देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, पोजिशन का फॉर्मूला आ गया, मतलब कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और पोजिशन में रिलेशन पूछे तो ये रहा, अच्छा और पोजीशन में और टाइम में रिलेशन भी पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट, मतलब कि हमारा जो पार्टिकल है वो ओ से कैसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम प्रॉपर एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स बाई ए इज इक्वल टू कोस रूट म्यू टी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कोस म्यू टी। तो
तो हमारे पास ये फॉर्मूले आए हैं, आप इनको अच्छे से याद करना, आपको डिराइव करना भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार इसका आर्टिकल भी आ जाता है, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे। देखिए ये है हमारे पास, अगर हमारा पार्टिकल अवे फ्रॉम ओ मूव कर रहा है तो हमारी वैल्यू क्या आई थी x की, x इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी, ठीक है। और अगर टूवर्ड्स ओ है तो क्या वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू ए कोस दिस, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इसमें कंडीशंस है कि अगर हमारा पार्टिकल ओ से दूर जा रहा है तो ये वैल्यू लेनी है, अगर ओ के टूवर्ड्स हैं तो ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। और बाकी हम क्वेश्चन कल कर लेंगे, आप ये थ्योरम अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे आपको सारे फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, सारे रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम कल से करेंगे। थैंक यू।